हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएलई हेल्प डेस्क 24x7। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज कोई भी सरकारी योजना के विषय में जानकारी नहीं देनी है, ना ही सीएससी के विषय में कोई जानकारी देनी है, बल्कि जानकारी आपकी है इस समय कोरोना से जुड़ी हुई महामारी से, जो आपको पता है इस समय आपातकालीन की स्थिति जैसे देश के ऊपर बनी हुई है उसी को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज मुझे एक लिस्ट मिली है, उसको लेकर के आपको जाना जरूरी है कि कौन से इलाके देश में, कौन से राज्यों में, कौन शहर ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में है, जो रेड जोन में है। आपके जो जानने वाले हैं, जो मित्र यार हैं, उनको आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लिंक है वीडियो का, जो पीडीएफ का, वो मैं इसके लिंक के नीचे दे दूंगा। मैं आपको पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ जो मुझे मिली है, ग्रिड साइट की है, ये ग्रिड 91 साइट की, ठीक है। साइट पर मैं गया, लेकिन ये साइट पर ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ COVID-19 हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, ये डेटा फ्रेंड्स 24 अप्रैल 2020 का है, तो थोड़ा सा पुराना है। आप समझ लीजिए इसमें 90% केसेस आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, जितने भी शहर को इन्होंने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में रखा हुआ है। रेड जोन का मतलब आपको पता है, वो हॉटस्पॉट इलाके हैं, मरीजों की संख्या ज़्यादा है। ऑरेंज जोन का मतलब या तो वो उनके मरीज़ कम हुए, पहले रेड जोन में थे ऑरेंज जोन में आ गए, या वो पहले ग्रीन जोन में थे मरीज़ मिले हैं तब वो ऑरेंज पहुँच गए। ग्रीन जोन का मतलब वहाँ पे 1 से 2 लोग बचे हुए हैं, बाकी सभी सही हो चुके हैं या तो वहाँ पे केस नहीं मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको स्टेट वाइज सारे जितने भी शहर हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो रेड कैटेगरी में है, ऑरेंज कैटेगरी में, ग्रीन कैटेगरी में है, वो आप इसे जान सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी ऐसी कि सभी को पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप पीडीएफ हर तरफ सर्कुलेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने घर में, ठीक है। आपको हर देश, हर राज्य, मतलब हर राज्य का मिल जाएगा इसमें, और सारी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगी, जैसे ये आसाम का हो गया, बिहार का हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ना, आज ऋषि कपूर जी भी, उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ पे भी केवल 20 लोग पहुँचे थे महाराष्ट्र में, क्योंकि संक्रमण बहुत ज़्यादा है और संक्रमित लोगों की संख्या ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है मित्रों। तो ये पूरी पीडीएफ है, इसमें हर एक स्टेट का लिखा हुआ है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अपना शहर देख सकते हैं कि उसमें 3 तारीख को, आने वाली 3 तारीख को, जैसा मुझे पता चला है कि जिन भी शहरों में ये ग्रीन जोन आपको दिख रहा है वो ओपन हो जाएंगे, बाकी जो आपके रेड जोन में है वो बिल्कुल भी नहीं ओपन, उनमें लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाया जाएगा। ऑरेंज वालों में थोड़े बहुत चांसेस हैं कि शायद कुछ आपकी कंडीशन के साथ में आपका जो शहर है उसे ओपन किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जानकारी थी आज की, धन्यवाद। और बाकी ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी अपडेट आप चूके ना। थैंक यू फ्रेंड्स।